बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एपिडेमियोलॉजी। तो आज हम एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, डिफाइन एपिडेमियोलॉजी और उसके टाइप्स क्या है, और फिर उसके यूजेस क्या है, फिर स्कोप क्या है हमारे पास एपिडेमियोलॉजी का। हमारे पास एपिडेमियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी जो है वो दो वर्ड से बनी हुई है, एपी मीन्स अबव और अपॉन एंड डेमंस मीन्स पीपल। तो एपिडेमियोलॉजी जो है वो क्या है, स्टडी अपॉन पीपल आर ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी एपिडेमियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन के हम करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हम डिजीज़ पढ़ते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ आउटकम्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ रिस्क फैक्टर्स पढ़ते हैं। दूसरी हमारे पास ये है कि द स्टडी द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो एक साइंस की ब्रांच है एपिडेमियोलॉजी, मेडिकल साइंस ब्रांच है, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, विच ट्रीट ऑफ एपिडेमिक्स, जो एपिडेमिक्स को ट्रीट करती है। तो एपिडेमियोलॉजी जिस तरह एपिडेमियोलॉजी एपिडेमिक्स, तो एपिडेमिक्स क्या है, एपिडेमिक्स सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज इन अ सर्टेन ज्योग्राफिक एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, जब पहले कोविड आया था वुहान के अंदर, तो हमारे पास वो क्या था, फर्स्ट एपिडेमिक था। क्यों? क्योंकि उसकी सडन आउटब्रेक हुई थी और अनयूजुअल हुई थी, और फिर जब वो फैल गया पूरे चाइना के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये पर पेंडेमिक बन गया। तो अगर हम कोविड को ट्रीट करते हैं इस तरह का, अगर हम एपिडेमिक को ट्रीट करते हैं, तो हम किस में ट्रीट करेंगे, तो हम एपिडेमियोलॉजी में ट्रीट करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, एपिडेमियोलॉजी द स्टडी ऑफ एपिडेमिक एंड देयर प्रिवेंशन। फिर उसके बाद हम न सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं बल्कि उसकी प्रिवेंशन भी करते हैं। और प्रिवेंशन हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी प्रिवेंशन है, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो मुख्तलिफ किस्म की प्रिवेंशन के लेवल्स आते हैं। दूसरा हमारे पास इसके मुख्तलिफ डिफिनीशंस है। तो जो भी है, इन शॉर्ट ये है कि एपिडेमियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, डिजीज़ पढ़ते हैं, इंजरीज पढ़ते हैं, हेल्थ आउटकम्स पढ़ते हैं, और वो काम किन लोगों में हम स्टडी करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन में हम इसको स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास एपिडेमियोलॉजी हो गई कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द डिजीज़ पढ़ते हैं कि डिजीज़ कहाँ पे हुई है और उसकी डिटर्मिनेंट्स क्या है, मतलब ये कि उसके काज और रिस्क फैक्टर क्या क्या है। तो ये हम एपिडेमियोलॉजी में पढ़ेंगे। दूसरी है कि एपिडेमियोलॉजी में हम डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज़ भी पढ़ते हैं कि डिजीज़ कितनी फ्रीक्वेंटली हमारे पास किसी खास एरियाज़ में या किसी खास इलाके में या कंट्री में हो रहा है। दूसरी, हु गेट्स डिजीज एंड वाई। हम एपिडेमियोलॉजी में खुद से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट हम खुद से पूछते हैं कि किसको डिजीज़ हो गई है और ये क्यों हो गई है। तो अगर हम आप डिजीज़ के रीज़न के पीछे जाएंगे, तो ये आप किस में जाएंगे, आप एपिडेमियोलॉजी में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। दूसरा, एपिडेमियोलॉजी में स्टडी सेक एंड विल पीपल टू डिटरमाइन द क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दोज हु गेट डिज इन दोज हु आर स्पेयर्ड। तो एपिडेमियोलॉजी में आगे जाकर हम एक मुख्तलिफ किस्म के स्टडी डिज़ाइन पढ़ेंगे। इसमें एक ये है कि केस कंट्रोल स्टडीज़ है, कोहोर्ट स्टडी है, मुख्तलिफ किस्म की स्टडी है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप केस कंट्रोल की मिसाल ले लें, तो इसमें आप केसेस को हम देखते हैं और इसके साथ साथ हम कंट्रोल को देखते हैं। सॉरी, केसेस में हम क्या देखते हैं, केस में हम ये देखते हैं कि इन केसेस को डिजीज़ क्यों हो गई है और कंट्रोल को क्यों नहीं हुई है। तो अगर हमें ये पता चले कि एक ग्रुप को डिजीज़ क्यों हो गई है और दूसरे को क्यों नहीं हुई है, तो इसकी वजह से हमें काज और रिस्क फैक्टर का पता चलेगा, जिसको हम एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ेंगे। दूसरा, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एपिडेमिक, जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था। अब एपिडेमिक को डिफाइन किया है कि अक्र व्हेन देयर सिग्निफिकेंटली मोर केसेस ऑफ द सेम डिजीज इन द पास्ट एक्सपीरियंस वुड हैव प्रेडिक्टेड। फॉर एग्जांपल, हम मिसाल लेते हैं कि पेशावर के अंदर हमारे पास डेंगू के टाइम पे लोग डेंगू के केसेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल हमारे पास 100 केसेस आए हैं डेंगू के, और इस साल वो केसेस क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, वो 150 हो गए, 100 से बढ़कर हो गए हैं। तो ये यूजुअल से हट कर है, अनयूजुअल हो गए हैं, तो इसको आप एज ए एपिडेमिक लेंगे। तो ये क्या हो गया है कि हमारे पास डेंगू का एपिडेमिक हो गया है। अभी जिस तरह हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट हम एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट के बेस पे हम एपिडेमियोलॉजी को डिवाइड करते हैं इनटू डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं,
उसकी तकसीम पढ़ते हैं कि डिज़ीज़ की हमारे पास क्या है, पर्सन के हवाले से, टाइम के हवाले से, प्लेस के हवाले से, उसकी फ्रीक्वेंसी के हवाले से कि ये डिज़ीज़ साल में कितनी दफ़ा होती है या जब ये हो जाती है तो ये कितनी फ्रीक्वेंटली हमारे पास मंथ में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी पर ईयर फ्रीक्वेंसी क्या है उस डिज़ीज़ की, डिज़ीज़ है या कोई भी हेल्थ इवेंट्स है हमारे पास, इंजरी है, डिज़ीज़ है या हेल्थ आउटकम्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास। तो इसको हम किसके हवाले से देखते हैं, पर्सन के हवाले से देखते हैं, टाइम के हवाले से, प्लेस के हवाले से। हम पर्सन में पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल यंग पॉपुलेशन को है या ओल्ड को है, ये मेल को है या फीमेल को ज़्यादा है। फिर हम टाइम के हवाले से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये गर्मी में ज़्यादा है या सर्दियों में ज़्यादा है या बाहर में या खजान में इन डिज़ीज़ की केसेस ज़्यादा होती है। और फिर हम प्लेस के हवाले से देखते हैं कि इस डिज़ीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल किसी खास डिज़ीज़ के साथ जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कांगो आजकल कांगो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फॉर एग्जांपल हम कांगो में केसेस हमारे पास आते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि वो उनमें मेल है ज़्यादा या फीमेल है, वो मतलब किस टाइम गर्मियों में आते हैं या सर्दियों में आते हैं। और वो ये है कि फिर प्लेस के हवाले से देखते हैं कि कहाँ से, किस इलाके से ज़्यादातर लोग आते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों के पीछे जाते हैं तो आप इसको डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर इन रिलेटिव एपिडेमियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये मालूम हो गया कि डिज़ीज़ किन लोगों में ज़्यादा है, कहाँ से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं और ये जो किस टाइम है ये डिज़ीज़ हो रहा है, तो इन चीज़ों से आपको उस डिज़ीज़ के कास का रिस्क फैक्टर का पता चल जाएगा। अब रिस्क फैक्टर और कॉसेस को हम फिर एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। हम किसी डिजीज़ के कॉसेस को, फॉर एग्जांपल कांगो है तो इसके कॉसेस को हम देखिए कांगो किस वजह से होता है, वायरस की वजह से है या बैक्टीरिया की वजह से है, फंजाई की वजह से है। फिर कौन कौन से रिस्क फैक्टर है कि जिसकी वजह से कांगो वायरस ज़्यादा हो रहा है और ये हम क्यों पढ़ते हैं, हम ये क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमें इन चीज़ों का पता चल गया तो हम उसके मुताबिक अपने ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजरमेंट आसानी से कर सकेंगे। फिर इसके बाद हम दूसरा क्या पढ़ते हैं, रिस्पांस टू स्टडी हाइपोथेसिस। एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हम फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम हाइपोथेसिस को डिवेलप करते हैं, एक एसोसिएशन हम बना लेते हैं। फिर इनको प्रूफ हम कहाँ करते हैं, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हम करते हैं। इसलिए आपको बताया हुआ है कि रिस्पांस टू स्टडी हाइपोथेसिस, और इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स होते हैं। जैसे सर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडी डिज़ाइन आपको, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, केस स्टडी है, केस कंट्रोल है, कोहोर्ट है, एक्सपेरिमेंटल है, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडी डिज़ाइन है एपिडेमियोलॉजी में, जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ को हम फिर डिस्कवर करते हैं, उनके काजेज मालूम करते हैं। फिर हमारे पास एक है हेल्थ डिजीज़ स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल कांगो कि केसेस आप मालूम करना चाहते हैं किसी इलाके के अंदर, उनके काजेज मालूम करते हैं, तो ये डिजीज़ स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी हो गया। आप कोविड का मालूम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप डेंगू का मालूम करते हैं, तो ये डिजीज़ स्पेसिफिक आपका हो गया। अब आप क्यों मालूम करना चाहते हैं, इनको आप अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी में पढ़ेंगे। अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी मीन्स आपने जो उधर से नॉलेज गेन किया डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल से, उन नॉलेज को आप अप्लाई करेंगे अब और उनके मुताबिक आप अपने प्रिवेंटिव मेजरमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मालूम हो गया कि कांगो के केसेस कहाँ से आते हैं, किस एज में ये ज़्यादातर लोग ज़्यादा होता है, किस टाइम ये केसेस ज़्यादा होते हैं। फिर इसके मुताबिक आप उसके काजेज और रिस्क फैक्टर मालूम कर लेते हैं। फिर उन काजेज और रिस्क फैक्टर के बेस पे आप प्रिवेंटिव मेजरमेंट आप क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेजरमेंट आप डिज़ाइन कर लेते हैं। तो जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट आप अप्लाई करते हैं लोगों के ऊपर, या आप जो है ना उनको डिज़ाइन कर लेते हैं, तो उनको आप अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी में पढ़ेंगे कि जो नॉलेज आपने गेन किया उनको आप अप्लाई कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन ध्यान में आता है कि एपिडेमियोलॉजी हमारे पास साइंस है कि नहीं है, तो साइंस की कौन कौन कंसेप्ट करेक्टरिस्टिक है, साइंस के डिसिप्लिन कौन कौन से हैं, और कौन से डिसिप्लिन है जो साइंस की नहीं है, और वो साइंस से किस तरह के डिफरेंट है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन है कि जो हमें गाइड करेंगे कि एपिडेमियोलॉजी हमारे पास एक साइंस की ब्रांच है या नहीं है। तो एपिडेमियोलॉजी को इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि एपिडेमियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करते हैं और उन साइंटिफिक मेथड के ऊपर हम जो है, फॉर एग्जांपल आप डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ पढ़ते हैं, और एनालिटिकल में आप कहाँ से और रिस्क फैक्टर के बारे में मालूम करते हैं कि डिजीज़ क्यों हो गया है, फिर अप्लाइड में आप उसको अप्लाई करते हैं, तो आप एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस
के लिए आप कौन सा मेथड, साइंटिफिक मेथड आप अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आप जो है किसी डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमिन और ये चीज़ें मालूम करते हैं, तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक स्टडी डिज़ाइन सेलेक्ट करना होगा कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे केस कंट्रोल स्टडी करना चाहिए, मुझे कोहोर्ट स्टडी करना चाहिए, और मुझे जो है ना क्रॉस सेक्शनल स्टडी करना चाहिए। कौन सी स्टडी मुझे करनी चाहिए कि जिसकी वजह से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल सके। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आप ये एक साइंस की सब्जेक्ट में आप ये चीज़ें कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि एपिडेमियोलॉजी जो है उसमें आप क्वेश्चन करते हैं आप खुद आपसे कि हु व्हाट व्हेन वेयर, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एविडेंसेस पर उनके ऊपर आप बनाते हैं। फिर आप उसमें मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं कि जिस तरह मैंने बता दिया कि जो एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी है उसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी हमने हाइपोथेसिस को डेवलप किया है उनको हम किस तरह टेस्ट करेंगे। तो ये एपिडेमियोलॉजी इसलिए साइंस है कि इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं और उसके बेस पे हम किसी डिजीज़ के बारे में मालूम करते हैं कि इस डिज़ीज़ के काजेस क्या है और उसके रिस्पेक्टर क्या है। फिर उसको मालूम करने के बाद हम अंदाज़ा हो जाता है कि हम इसको किस तरह प्रिवेंट करते हैं और किस तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट फॉर एग्जाम्पल आप में कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, तो आप एज एपिडेमियोलॉजिस्ट आप में डिजीज़ को मेजर करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल किसी हाँ स्पेसिफिक ये डिजीज़ का ट्रेंड दिया हुआ है कि टाइम के साथ साथ फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी के महीने में, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो अगर आप आगे जाएंगे तो इस डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होते जाते हैं। तो हम उसमें ट्रेंड देखते हैं कि फॉर एग्जांपल डिजीज़ में पर ईयर के हवाले से, मतलब एज ए होल ईयर के हवाले से इंक्रीज आ रही है या डिक्रीज आ रही है। तो आप डिजीज़ के ट्रेंड को मालूम कौन करेगा, ये एपिडेमियोलॉजिस्ट करेगा, और ये स्किल किसके पास होती है, ये सिर्फ एपिडेमियोलॉजिस्ट के पास होती है। फिर एपिडेमियोलॉजी में हम वेट करते हैं, बैलेंसेस करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कंट्रास्ट और कंपेयर करते हैं, और हम रेट्स उसमें मालूम करते हैं। रेट्स को आप किस तरह मालूम करेंगे कि इवेंट्स और पॉपुलेशन एट रेस्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास इवेंट्स कोई भी हो सकता है, कोई डिजीज़ है फॉर एग्जांपल, कोई जो है इंजरी है। तो फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं यहाँ पे फिर डेंगू के, तो फॉर एग्जांपल डेंगू के कितने केसेस हैं और फिर टोटल पॉपुलेशन कितने उधर का। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं तहकाल के अंदर या पेशावर के किसी हाथ सिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल हम सदर के अंदर लेते हैं कि सदर से आपके पास डेंगू के केसेस आ रहे हैं, तो डेंगू के टोटल केसेस कितने हैं, ये आपके पास इवेंट्स हो गया। फिर पॉपुलेशन एट रिस्क, तो टोटल पॉपुलेशन जो उधर का है वो कितना है, क्योंकि सारे लोग उधर रिस्क पे हैं। अगर उधर के इलाके से आपके पास डेंगू स्पेसिफिक इलाके से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सारे लोग रिस्क पे हैं, तो आप उस टोटल पॉपुलेशन को लेंगे और आपके पास केसेस कितने, तो इसे आप रेट मालूम करते हैं, और ये आप क्या करेंगे, एपिडेमियोलॉजी में आप पढ़ेंगे। अब एक इसमें है न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, जिस तरह मैंने इवेंट्स बता दिया, तो इवेंट्स हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा। न्यूमरेटर में आपके पास डेथ भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें हम सिर्फ ये नहीं पढ़ते कि डिजीज़ पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी में, हम ह्यूमन से रिलेटेड उनके मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ आउटकम्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल डेथ इज़ आल्सो अ हेल्थ आउटकम। फॉर एग्जांपल हम उसमें पढ़ते हैं इंजरी इज़ आल्सो अ हेल्थ आउटकम। हम उसमें फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं डिजीज़ इज़ आल्सो अ हेल्थ आउटकम। तो मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ आउटकम उसमें हम पढ़ते हैं। तो इवेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इवेंट में हमारे पास आ जाएगा हमारे पास डिजीज़ या हमारे पास डेथ या हमारे पास कोई भी खास किस्म के हेल्थ आउटकम्स। फिर डिनोमिनेटर पॉपुलेशन एट रिस्क, जितनी भी लोग हैं, जिस तरह मैंने बता दिया कि जो बाकी जितनी भी लोग हैं हम उसको एट रिस्क पे कंसीडर करेंगे। फिर दूसरा हमने हमारा एक ऑब्जेक्ट होता आज का कि हम यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। फॉर एग्जांपल हम एपिडेमियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशन हैं हमारे लाइफ के अंदर एज ए हेल्थ प्रोफेशनल। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, टू स्टडी द काज ऑफ द डिजीज आर कंडीशन डिसऑर्डर आर डिसेबिलिटी। जिस तरह मैंने आप लोगों को एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें हम काज इसके बारे में पढ़ते हैं, तो काज के बारे में किस डिजीज़ की काज क्या है, अगर हमें काज का पता चल गया तो हम इस डिजीज़ को ट्रीट भी तो कर सकते हैं। फिर प्राइमरी एजेंट रिस्पॉन्सिबल,
तो उसके लिए कौन सा एजेंट है जो कि रिस्पांसिबल है? आया वो वायरस की वजह से है, आया वो बैक्टीरिया की वजह से है, कोई खास पैरासाइट्स की वजह से है, या मुख्तलिफ किस्म के रिस्क फैक्टर की वजह से वो डिजीज़। तो प्राइमरीली क्या है, फॉर एग्जांपल कोविड है, तो कोविड की वजह प्राइमरी क्या है, रिस्पांसिबल क्या है, कोविड वायरस है हमारे पास। डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द एजेंट। अब फॉर एग्जांपल कोविड वायरस, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक है, वो कहाँ पे रह सकता है, कहाँ पे नहीं रह सकता। फिर मूड ऑफ ट्रांसमिशन, तो फॉर एग्जांपल वो एयर बार्न है या वो वाटर बार्न है, या हमारे पास वो जो है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है उसकी, तो कौन सी टाइप की ट्रांसमिशन है उसकी, मतलब किस रूट के ज़रिए से वो फैल सकता है। फिर उनके साथ साथ कौन से वो फैक्टर हैं दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़। फॉर एग्जांपल कोविड वायरस है, तो उसके साथ साथ कौन से ऐसे फेवरेबल कंडीशंस हैं जो कि उन वायरस के लिए क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल फेवरेबल कंडीशन में आप जो है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट फॉर एग्जांपल होते हैं, हमारे पास जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होते हैं जिनमें जो है ना क्रॉनिक एलनेसिस होती है, तो ये जो है उसके क्या होंगे, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में आ जाएंगे। आइडेंटिफाई डिटरमाइन जियोग्राफिकल पैटर्न। फिर आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल वो कौन से इलाके में ज़्यादा है, उस इलाके से एसोसिएटेड खास वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग डिजीज़ के रिस्क पे हैं। तो आप इसमें हम एपिडेमियोलॉजी को हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो इसलिए हम एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं कि हमें डिजीज़ के काज का पता चल जाए, हमें डिजीज़ के एजेंट्स का पता चल जाए, फिर उनके करेक्टरिस्टिक का पता चल जाए, ट्रांसमिशन का पता चल जाए, अदर फैक्टर का पता चल जाए, उसके ज्योग्राफिकल पैटर्न का पता चल जाए, तभी जाके हम इस डिजीज़ को प्रिवेंट और ट्रीट कर सकेंगे। दूसरा, नेचुरल कोर्स ऑफ द डिजीज, डिसेबिलिटी, इंजरी एंड डेथ। नेचुरल, फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज़ किसी को हो गया है, तो डिजीज़ किस तरह एक इंसान के अंदर प्रोग्रेस कर रही है, किस तरह डिजीज़ की एंट्री हो गई हमारे पास, फिर वो डिजीज़ जो है उसने प्रोग्रेस किया, फिर साइन सिम्टम शुरू किए, जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, तो इसमें हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ पढ़ते हैं कि डिजीज़ फॉर एग्जाम्पल हो गया, फिर उन्होंने जो है ना अपना प्रोसेस शुरू किया बॉडी के अंदर, फिर बॉडी के प्रोसेस के बाद शुरू होने के बाद उसमें साइन सिम्टम डिवेलप हो गए, फिर साइन सिम्टम डिवेलप के बाद उस या तो डिजीज़ से हम रिकवर हो गए, या डिजीज़ ने क्या क्या हमारे पास वो जो है ना प्रोग्रेस करके डेथ की तरफ हम चले गए। अब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज हम क्यों पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें फॉर एग्जांपल डिजीज़ के नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ का अगर हमें पता होगा, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज या नेचुरल कोर्स ऑफ द डिजीज़ या डिसेबिलिटी, इंजरी या डेथ, इसके मुताबिक फिर हम प्रिवेंटिव मेजरमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें प्राइमरी प्रिवेंशन करनी है, कहाँ पे सेकेंडरी करनी है, कहाँ पे टर्शियरी करनी है। फिर हम प्लानिंग और डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विस इन प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल हम कोई फॉर एग्जांपल कोविड वायरस है, तो कितने लोगों को वायरस है, कितने लोगों को ये वायरस हो गया है, तो इसके मुताबिक फॉर एग्जांपल हम अपनी प्लानिंग करते हैं, फिर और उसके मुताबिक हम फिर सर्विसेज देते हैं लोगों को, और फिर हम इसके मुताबिक हम जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव और डेटा हम प्रोवाइड करते हैं उसके मुताबिक के हमारे पास सब, जिस तरह हम स्टेटिस्टिक में पढ़ते हैं कि इसकी स्टेटिस्टिक क्या है, कितने लोगों को ये डिजीज हो गई है, और कितने लोगों को जो है उसमें यंग कितने हैं, उसमें ओल्ड कितने हैं, तो इसके मुताबिक हम जो है ना अपनी डेटा को हम फिर प्लान करते हैं। अब पर्पज़ क्या है, उसका मकसद क्या है एपिडेमियोलॉजी का, तो पर्पज़ ये है कि टू प्रोवाइड बेस फॉर डेवलपिंग कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अब हम ये चीज़ों का मकसद क्या है हमारा, हम ये चीज़ें क्यों करते हैं, हम क्यों काज ऑफ द डिजीज पढ़ते हैं, हम क्यों डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमिनेंट ऑफ द डिजीज पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कंट्रोल और प्रिवेंटिव मेजरमेंट हम जो है क्या कर सकें, डिज़ाइन कर सकें किसी हाथ पॉपुलेशन के अंदर। और अगर हमें फॉर एग्जाम्पल डिजीज़ के काज का पता नहीं होगा, उसके रिस्क फैक्टर का पता नहीं होगा, तो हम उसके मुताबिक फिर हम ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, फिर हमने टाइप्स पहले जिक्र किए कि डिस्क्रिप्टिव एक हमारे पास क्या है, एनालिटिकल है। तो डिस्क्रिप्टिव में हम क्या पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव में हम पढ़ते हैं क्या कि हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़ पढ़ते हैं कि किन लोगों को डिजीज़ है, किस टाइम ये डिजीज़ ज़्यादा है, और कहाँ पे ये डिजीज़ ज़्यादा है, किस इलाके में ज़्यादा है। फिर हमारे पास क्या है उसके मुताबिक हम फिर कौन कौन से स्टडी कर सकते हैं, हम क्रॉस सेक्शन स्टडी करेंगे, हम डिस्क्रिप्टिव मुख्तलिफ किस्म के स्टडी करेंगे। फिर एनालिटिकल में हम क्या, इसमें हम दूसरी बात यह है कि हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं। फिर एनालिटिकल में हम हाइपोथेसिस को हमने बनाया हुआ है हम उसको टेस्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, टेस्टिंग अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस अबाउट रिलेशनशिप ऑफ डिजीज टू
पोटेटिव काजेज बाई कंडक्ट एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी. फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडी है कि जिस तरह के हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, कॉज एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, हमारे पास कोहोर्ट स्टडी है, हमारे पास जो है ना केस कंट्रोल स्टडी है. ये मुख्तलिफ किस्म की स्टडी हम करते हैं और इसके थ्रू हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. और जो हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं, वो हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में करते हैं और उसके थ्रू हम हाइपोथेसिस को डिवेलप करते हैं. ठीक है. अच्छा, तो ये क्या है, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप हाइपोथेसिस पहले डेवलप करेंगे, फिर इसके बाद आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे. तो हाइपोथेसिस को डेवलप आप पहले डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के थ्रू करेंगे और हम भी आप जब टेस्ट करेंगे तो टेस्ट किसके थ्रू करेंगे, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी को के थ्रू करेंगे. अब एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के लिए आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको ये डिजीज़ कहाँ पर है, आपने किस चीज़ को कंट्रोल करना है और कौन सा हाइपोथेसिस आपने डेवलप करना है. तो ये अगर आपको पास नॉलेज होगा तो इसके बाद आप जो है ना फिर क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को डेवलप करने के बाद आप फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे. अब जिस तरह मैंने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में मैंने पढ़ा कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हम उसमें टाइम प्लेस पर्सन के हवाले से डिजीज़ को देखते हैं. अब पर्सन में कौन कौन से थे, कौन से एज के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल यंग है या ओल्ड है, फिर जेंडर मेल में ज़्यादा ही डिजीज़ या फीमेल में ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल आप समझाने के लिए कोविड की मिसाल ले लें कि कोविड जो है यंग लोगों में ज़्यादा है या ओल्ड में ज़्यादा है, फिर फीमेल में ज़्यादा है या मेल में ज़्यादा है, फिर एथनीसिटी उसकी क्या है, फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, फॉर एग्जांपल उसका जेनेटिक कोई काज है कि नहीं है, कनकरंट डिजीज उन शख्स के अंदर है कि नहीं है, उसकी डाइट, एक्सरसाइज और स्मोकिंग पैटर्न किस तरह है, उसकी रिस्क टेकिंग बिहेवियर क्या है और उसकी सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन. तो पर्सन में आप ये चीज़ें पढ़ते हैं. फिर प्लेस में आप हम क्या पढ़ते हैं, प्लेस में हम क्या पढ़ते हैं, जियोग्राफिकल प्लेसेस, जिस तरह प्रिज्म और एजेंट और वेक्टर, हम कि क्यों इसके लिए कौन सा एजेंट रिस्पांसिबल है, उनकी क्लाइमेट क्या है, उधर का जो है ना मौसम किस तरह है, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन किस तरह है, पॉपुलेशन डेंस है कि डेंस नहीं है, उनकी इकोनॉमी किस तरह है, मतलब ये कि ये पुअर है या रिच है, और उसके न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल माल नरिश तो नहीं है, तो आप प्लेस में ये चीज़ें देखते हैं. उनके मेडिकल प्रैक्टिस क्या है, तो आप इसमें ये चीज़ें देखते हैं. तो पर्सन में हम पर्सन के हवाले से उसका एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें देख रहे थे. प्लेस के हवाले से हम ये चीज़ें देखेंगे. फिर हम टाइम के हवाले से क्या देखेंगे कि फॉर एग्जांपल कैलेंडर टाइम, किस टाइम ये डिजीज़ ज़्यादा हुआ है, और फिर हमारे पास कौन से लोगों को, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल यंग एज में लोगों को ज़्यादा हो रहा है ये डिजीज़ या ओल्ड एज में ज़्यादा हो रहा है, कौन सी सीज़न में ज़्यादा हो रहा है, और फॉर एग्जांपल कोई खास सीज़न में उनका इंक्रीज आ रहा है कि नहीं आ रहा. टेम्पोरल ट्रेंड का मतलब ये है कि किसी खास सीज़न में उनका इंक्रीज आ रहा है कि नहीं आ रहा. अभी आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि यू हैव बीन आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट एन इवेंट इन विच 2020 पीपल वर एक्सपोज एंड उनमें से कितने की डेथ होगी, 15 एंड 20 ऑफ देम डाइड. अब आपसे एज एपिडेमियोलॉजिस्ट पूछा गया है पर्सन, प्लेस और टाइम के बारे में. अभी उसमें आप देख लें कि उसमें आपके पास पर्सन कितने हैं, फिर कहाँ पर ये डिजीज़ ज़्यादा हो गया है, फिर उसमें किस टाइम ये हो गया है, तो आप उसमें से टाइम प्लेस पर्सन को आप आइडेंटिफाई कर लें प्रीवियस नॉलेज के बेस पे. अब हम एक हाउस से क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं, तो हम सर्वे कर लेते हैं, उसके थ्रू हमें पता चल जाता है. और सर्वे क्या है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये डिजीज़ क्यों है, और ये डिजीज़ जो है हमारे पास किन लोगों को है, और तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, सही है ना. तो या तो हम एक सर्वे कर लेते हैं, फिर जो सर्वाइवर होता है, फॉर एग्जांपल जिन लोगों को डिजीज़ हुई है इनसे हम पूछते हैं कि आपको ये डिजीज़ किस तरह हुई है. जिस तरह हम मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटेटिव स्टडीज़ करते हैं, उनके अंदर हम जो है ना क्या करते हैं, फिर केस स्टडीज़ है एक हमारे पास, उसमें से हम एक केस लेते हैं और इससे हम पूछते हैं कि आपको ये डिजीज़ या ये केस किस तरह हो गया है, आप कौन कौन से फैक्टर को एक्सपोज थे. तो ये सर्वाइवर से हम पूछते हैं. नेक्स्ट ऑफ द किन से पूछते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो बंदा जो डिजीज्ड है वो खुद नहीं है, तो उनके साथ जो उसका अटेंडेंट है या उसके साथ जो उसके घर वाले हैं उनसे पूछते हैं, या दूसरे रिलेटेड पर्सन से हम पूछ लेते हैं डिजीज़ के बारे में. तो इसकी वजह से हमारे जहन में मुख्तलिफ किस्म के सवालात आते हैं और इस सवालात का जवाब हमें एपिडेमियोलॉजी दे देता है.
फिर हमें उनमें जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, सर्वे करते हैं या सर्वाइवर से पूछते हैं, नेक्स्ट ऑफ द कैन से पूछते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो डिजीज़ मेन में ज़्यादा है, वुमेन में ज़्यादा है या चिल्ड्रन में ज़्यादा है। और जो मेजॉरिटी थे वो वेल्थी थे या यंग लोग थे, तो हमें इन चीज़ों का पता चल जाता है। फिर प्लेस के हवाले से कि वो जो है क्लाइमेट हमारा, हम देखते हैं कि क्लाइमेट जो सीज़न जो था वो कोल्ड था या वार्म था, और वो लोग डेंस थे मतलब एक जगह रहते थे या अलग अलग रहते थे। फिर वो कहाँ किस टाइम ज़्यादा हो गया ये डिजीज़, मतलब मिड ऑफ द अप्रैल में, और या जो है ना पीपल डाइड विद एन आवर ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, मतलब ये जब डिजीज जो ही हो गया और वो लोग जो है ना वो बहुत जल्दी उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, जिस तरह कांग है कि लोगों की इसकी वजह से बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। तो इन अगर हम इस तरह के क्वेश्चन खुद से पूछ लेते हैं सर्वे के थ्रू, तो हम इस क्वेश्चन के बेस पे हमें ये नॉलेज हमारे पास फिर आ जाती है कि हमें पर्सन का पता चल जाता है, प्लेस का पता चल जाता है और टाइम का पता चल जाता है, और फिर उसके बेस पे हमें कास्ट का पता चल जाता है, और उस कास्ट के बेस पे हम अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी में उसको अप्लाई करके उनको ट्रीट करते हैं, और यही एपिडेमियोलॉजी की पर्पस है। अच्छा, फिर आपको बताया हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, ये तो पहले हम रिपीट कर चुके हैं कि हम देखते हैं प्लेस, पर्सन और टाइम के हवाले से, और डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम देखते हैं, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन से, सीजनल पैटर्न, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, जिस तरह हमने टाइम प्लेस पर्सन में इसका जिक्र किया। तो हम इसको क्यों देखते हैं फिर, क्योंकि इसके मुताबिक फिर हम रिसोर्सेज देते हैं उन लोगों को। फॉर एग्जांपल हमने कोविड को स्टडी किया कि कितने लोगों को कोविड है, उसके मुताबिक फिर हम जो है ना उस लोगों को मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं उसके मुताबिक, फिर मुख्तलिफ किस्म के प्रिवेंशन प्रोग्राम हम उसके लिए करते हैं हम, और उसकी वजह से हम फिर हाइपोथेसिस डेवलपमेंट मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि डिस्क्रिप्टिव बायोलॉजी का पर्पस क्या है, कि हम इसमें हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। फिर एनालिटिकल बायोलॉजी में हम क्या क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप मालूम करते हैं एक्सपोजर और इफेक्ट के दरमियान, कि इनके दरमियान क्या एसोसिएशन है, फिर हम इसके थ्रू हाइपोथेसिस को जो हमने डिवेलप किया उसके मुताबिक हम टेस्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट एंड सिंपल आप लोग समझ लें कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज पढ़ते हैं टाइम प्लेस और पर्सन के हवाले से, और उसमें हम हाइपोथेसिस को डिवेलप करते हैं। और एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हम कॉज ऑफ द डिजीज पढ़ते हैं, और उसके मुताबिक फिर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं जो हमने डिवेलप किया है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में। अभी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, के फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ हो रही होती है तो वो अकेले नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के एजेंट और होस्ट और फैक्टर मिल जाते हैं और वो किसी डिजीज़ के काज बन जाती है। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का एक कंसेप्ट है। तो एक हमारे पास इसमें होस्ट है, फिर हमारे पास एजेंट है, और फिर उसमें हमारे पास क्या है, एनवायरनमेंट है। तो होस्ट के फैक्टर हमने पढ़ लिए कि होस्ट के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, एजेंट्स जो कोई वायरल बैक्टीरिया हो सकते हैं, एनवायरनमेंट जिस तरह फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो अगर होस्ट जो है वो क्या है, वो ससेप्टेबल है, और एजेंट जो है वो फॉर एग्जांपल वायरल बैक्टीरिया है, वो कॉजेटिव एजेंट है और फेवरेबल एनवायरनमेंट है उसके लिए, तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर डिजीज़ काज होगा, अदरवाइज डिजीज़ काज नहीं होगा। इसमें से अगर कोई भी मिसिंग होगा तो डिजीज़ काज नहीं होगा, ओन एंड ओनली डिजीज़ विल काज जब ये तीनों फैक्टर हमारे पास मौजूद होंगे। अब एजेंट में हमारे पास क्या है, पॉइजन हो सकता है, एलर्जन रेडिएशन हो सकती है, फिजिकल ट्रामा हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोब्स हो सकते हैं, हमारे पास साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हो सकती है। फिर होस्ट में हमारे पास जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जेनेटिकली कोई स्ट्रांग है, वीक है, इम्यूनोलॉजिकल स्टेट हो सकता है, कोई इम्यूनिटी की किसी की स्ट्रांग है, किसी की वीक है, इसमें एज हो सकता है, कोई यंग है, ओल्ड है, फिर उसकी बिहेवियर, पर्सनल बिहेवियर, जिस तरह स्मोकिंग कर रहा है, उसकी हेल्थ प्रैक्टिसेस किस तरह है, फिर ये हम इसमें देखते हैं। फिर एनवायरनमेंट में हम क्या देखते हैं, एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि क्राउडिंग एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर किस तरह है उसका, फिर उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फॉर एग्जांपल व्हीकल, वेक्टर, रिजर्वायर, ये इन सब चीज़ों को हम फिर क्या पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं कि उसके लिए वेक्टर क्या है, कि जो कि डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया को काज करता है, तो उसके लिए वेक्टर क्या है, वेक्टर हमारे पास फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, जो कि हमारे पास जो मच्छर है वो उसके लिए वेक्टर है। और फिर हमारे पास उसके लिए जो व्हीकल है वो और रिजर्वायर जो है, ये सारे एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। तो इसके साथ हमारे आज का ये टॉपिक ख़त्म हो गया, और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, लेट अस
लेट अस इन्फॉर्म अस अबाउट योर क्वेरीज। हम इंशाल्लाह फिर जो भी तरीका होगा, जो भी मेथड होगा, उसके थ्रू हम फिर आप लोगों को गाइड करेंगे। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही फिर भी, तो फिर आप लोग जो हैं ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, और आप लोग जो हैं पूछ सकते हैं उधर चैनल पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।